केजरीवाल के जेल में रहते ही अब केजरीवाल पर नया पहाड़ टूटा है, क्योंकि दिल्ली में एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। एनआईए केंद्र एजेंसी है जिसकी जांच आतंकवाद से जुड़े मामलों में की जाती है। एलजी का अपने सूत्रों से शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन का सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग ली है। 1 अप्रैल को वीके सक्सेना को पत्र लिख एक व्यक्ति ने जांच की मांग की थी। पत्र लिखने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए खुद को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का महासचिव आशु मोंगिया बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे मुनीश रायजादा ने भी एलजी से जांच की मांग की थी। अब राजभवन ने लेटर लिखकर गृह मंत्रालय से मांग की है कि जल्द जांच की जाए। लेटर में मोंगिया का कहना है कि आतंकी गुरु पवन सिंह पन्नू का वीडियो देखा है, जिसमें साफ साफ ये पता चलता है कि केजरीवाल ने आतंकी बुल्लर को छोड़ने के लिए उनसे 16 मिलियन डॉलर की डील की थी। पन्नू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने इससे पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का यह कह रही है कि मोंगिया एक बीजेपी नेता है, वहीं मोंगिया इसे नकारते हुए खुद को हिंदू संगठन का नेता बताते हैं। गृह मंत्रालय को राजभवन से लिखे गए लेटर में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता मुनीश रायदाना ने भी जिक्र किया है। अमेरिका के शिकागो में डॉक्टर रहे रायजादा 2015 तक आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे। संगठन की एक वेबसाइट बनाने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। पन्नू के वीडियो के बाद उन्होंने केजरीवाल पर सोशल मीडिया एक्स से कई आरोप लगाए। एलजी को केजरीवाल के खिलाफ शिकायत के साथ साथ पेन ड्राइव भी सौंपा गया है, इसे जल्द ही गृह मंत्रालय को भी दिया जाएगा। पन्नू ने जो वीडियो जारी किया था उसमें ये दावा किया है कि 2014 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी ने उनसे करीब 16 मिलियन डॉलर मतलब करीब 134 करोड़ रुपए की डील की थी। पन्नू ने साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने आतंकी देवेंद्र पाल सिंह बुल्लर को जेल से रिहा करने का भरोसा दिया था, जिसे पूरा नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के एलजी की ओर से जांच की गई है और इसे साजिश बताया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी को 6 में से 6 सीटों पर अपनी हार दिख रही है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।